कौन किसको टोपी देता, कौन किसको धोखा देता, कौन चोर कौन है साधु, कौन है सच्चा कौन है झूठा। बोलेगा गोपाल भाड़, आएगा गोपाल भाड़, देखिए गोपाल भाड़, ये है गोपाल भाड़। थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा, सच्ची बातें कहानी में लिपटा, खुशियों की सौगत लेकर हंसी का तोहफा। बोलेगा गोपाल भाड़, आएगा गोपाल भाड़, देखिए गोपाल भाड़, ये है गोपाल भाड़। ऐसा चरित्र बड़ा ही विचित्र, ठुमक ठुमक कर कर देखो नृत्य। ऐसा चरित्र कानों से सुनो जरा, छुप छुप सोचो जरा, आंखों से देखो जरा। बोलेगा गोपाल भाड़, आएगा गोपाल भाड़, देखिए गोपाल भाड़, ये है गोपाल भाड़। बोलेगा गोपाल भाड़, आएगा गोपाल भाड़, देखिए गोपाल भाड़, ये है गोपाल भाड़। माँ जी, नवीन की पत्नी का क्या क्या गहना है? बहुत कुछ है, झुमके, कंगन, हार और सीताहार। सीताहार है उसके पास? वो नहीं है, कभी देखी पहनते हुए नहीं देखी हो ना। हाँ, तो फिर सुनिए माँ जी, आज अपना सीताहार पहन के तालाब जाना पानी लाने। क्या करूँ, रहेगा तब तो पहनूंगी। तो फिर साहब जी को बनाने के लिए बोल दीजिए। हाँ, वो क्या सीताहार बना के देंगे, वो तो बहुत ही कंजूस है। सीताहार बनवा देंगे, एक तरीका है मेरे पास। बता क्या तरीका है। आप अपने पति के पसंद के खाना बना के उनको प्यार से खिलाइए, वो ठीक मान जाएंगे। ठीक बोल रही है तू, आज मैं वही करूँगी। स्वामी, बहुत ही दिन से मुझे मांस खाने का मन कर रहा है, क्या करूं बताइए जरा। पार्वती, और क्या करोगी, धरती पर तुम्हारे अनेकों भक्त हैं, जिस किसी को सपना दिखाओ और हासिल करो। प्रत्येक मनुष्य को स्वप्न दिखा के मांगना अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ डर दिखा के मांगू। डकैती। हाँ, क्या बोले हैं आप? नहीं, बोल रहा हूँ क्या डर दिखाओगी। रोग भय, मृत्यु भय। जो तुम्हारी इच्छा, लेकिन तुम किसको डर दिखाओगी? दिव्य दृष्टि में वही तो ढूंढ रही हूँ मैं। वाह, इतना बड़ा आयोजन है, चावल, दाल, भुजिया, खीर, आलू दम। ठीक है, बहुत हो गया, खाने बैठी। अच्छा, बैठता हूँ। छप्पन भोग लेके बैठा है, इसी को भय दिखा के मांगूंगी। इतने भक्त रहते हुए आखिर उसी को क्यों? क्यों नहीं? सुना हूँ नाई का बेटा बहुत चालाक है। मैं भी कम बुद्धिमान नहीं हूँ स्वामी। वाह वाह, कितना स्वाद है, एक बात बताओ लक्ष्मी। नहीं, कुछ नहीं। बोलो ना, लेकिन किंतु क्या लगा रखी हो? नहीं, ओ मैं बोल रही थी ना, मतलब मुझे ना एक सीताहार चाहिए। क्या? सीताहार जी। छप्पन भोग लेके बैठा है, इसी से प्रबंध करूंगी मैं। बा
बाप रे बाप, मेरे पेट में कितना दर्द हो रहा है। लगता है मर ही जाऊंगा। अब लक्ष्मी देखो। अरे अरे आपको क्या हो गया? अरे ओ बतासी बतासी, कहाँ है तू? इधर आ, देख 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 तेरे साहब जी को क्या हो गया। मैं पहले ही बोली थी कि सीताहार मुझे नहीं चाहिए, देख सुन के कैसे कैसे करने लगे। अरे आपको क्या हो गया? ओहो, अरे लक्ष्मी मैं मर जा रहा हूँ, मुझे बचाओ। आह लक्ष्मी मुझे बचाओ। माँ दुर्गा मेरे पति का रक्षा करो, माँ मेरे सुहाग का रक्षा करो। हे माँ, हे माँ दया करो, माँ इस पीड़ा से मुझे मुक्त करो। माँ मैं वचन देता हूँ, माँ ठीक हो जाने पर मैं तुम्हें जोड़ा भैंस चढ़ाऊंगा। दया करो माँ, दया करो। पार्वती अब तुम्हारी मांस खाने की इच्छा पूर्ण होने वाली है, तुम्हारे गोपाल की पीड़ा समाप्त हो गई। सिर्फ मांस ही क्यों स्वामी, फल मिठाई कुछ नहीं? सोचो तो, दो दो भैंस अकेले खा पाओगी? नहीं वो तो नहीं सकूंगी मैं। ऊपर से और कंदमूल फल फूल, तुम तो नर प्राणी जैसे लालची हो गई हो। नहीं नहीं यह अच्छी बात नहीं है, अब गोपाल को पीड़ा मुक्त करो। ठीक है स्वामी। हे माँ दया करो, माँ इस पीड़ा को नहीं सह पा रहा हूँ। माँ कृपा करो, माँ दया करो, माँ ओ माँ माँ इस। अरे लक्ष्मी कहाँ हो? देखो मेरे पेट का दर्द गायब हो गया, सुनती हो? अरे लक्ष्मी कहाँ हो, मुझे खाने को दो, मुझे भूख लगी है। लक्ष्मी तुम कहाँ हो? नहीं नहीं आज आपको कुछ नहीं खाना होगा, चुपचाप सोइए। ओह जो बोलता हूँ वही करो, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाने को दो नहीं तो मैं तुम्हारी वह बात नहीं सुनूंगा। ठीक है दे रही हूँ खाने के लिए। आइए आइए मेरे साथ आइए। सही में लक्ष्मी भोजन बहुत स्वादिष्ट बना था। और क्या बोल रही थी बोलो तो जरा। बोल रही हूँ कि मुझे एक सीताहार बना दीजिएगा। ओह तो यही बात है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। कैसा शर्त? तो आज रात में गरम गरम पूरी और पनीर की सब्जी खिलाओगी तो? क्यों नहीं खिलाऊंगी, जरूर खिलाऊंगी। कैसा बना है बताई नहीं तो? सुंदर, अति सुंदर है। मैं इस हार को पहन के तालाब जाऊंगी पानी लाने। क्या बात है पार्वती, तुम्हारे चेहरे से पता चलता है धरती पर प्रलय आई है। ये क्या ठीक हुआ? क्यों क्या हुआ? गोपाल ठीक हो गया और इतना दिन भी बीत गया, गोपाल अपने पत्नी को सीताहार बना कर दिया और मेरे वक्त क्या हुआ? सचमुच यह गोपाल की बड़ी गलती है। मुझे लगता है गोपाल कृष्णचंद्र राय के राज्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण बलि की बात भूल गया है। भूल नहीं गया है, वो आप भोले भाले हैं इसीलिए सबको आप भोले भाले समझते हैं। गोपाल को शर्त की याद दिलाने के लिए मैं नंदी को अभी भेज रहा हूँ। ठीक है। गोपाल, ओ गोपाल, ओ गोपाल, कौन कौन कौन? हाँ अरे बतासी, अरे नकुल कहाँ हो तुम लोग, कहाँ हो? चुप चुप एकदम। बच्चा ये कौन है ये? सुनो मैं नंदी हूँ, कैलाशपति महेश्वर के पास से आ रहा हूँ। देवाधिदेव महादेव के शिष्य हैं आप? प्रणाम। ए लक्ष्मी तुम भी प्रणाम करो। हाँ हाँ प्रणाम नंदी जी।
पेट दर्द के समय जो प्रतिज्ञा किया था वह भूल गया है क्या? वही बात याद दिलाने के लिए महादेव तुम्हारे पास भेजे हैं। कौन बात बताए तो? यही बात जो तुम बोले थे, पेट दर्द ठीक होने पर जोड़ा भैंस बलि दोगे। याद आया। लेकिन वह तो भैंस नहीं, मेष बलि चढ़ाऊंगा बोला था। नहीं नहीं, यह कैसे हो सकता है, मैं स्पष्ट अपने कान से सुना था। ठीक है, वो तो हमेशा भांग धतूर खा के नशे में रहते हैं। मैं तो नशा नहीं करती हूँ। वह बात तो मैं गोपाल को बोला था। गोपाल क्या बोला है? बोल रहा था, पूछ में हम लोगों के कान बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं, अच्छी तरह सुन नहीं पाते। और माँ तो जुगों से बर्फ पर निवास करती है, उनके कान के 12 बज गए हैं। बोला था मेष और सुनी थी भैंस। ठीक है, तुम अभी जाओ, जो आज्ञा हो। अरे तुम्हें भी कहता हूँ पार्वती, अधिक लालच अच्छा नहीं है। भैंस के बदले अगर मेष देता है तो इसमें चिल्लाने की क्या बात है, शांति से तपस्या भी नहीं करने दोगी क्या? ठीक है, आप कीजिए अपना तपस्या, मैं चलती हूँ। प्रणाम माँ। भृंगी, क्या बात है? माँ, मैं सुना था कि धरती वाला गोपाल आपको दो भैंस बलि देने के लिए कहा था, कब तक देगा माँ? मैं भी थोड़ा प्रसाद पा जाता माँ, और क्या? बेटा भृंगी, वो भैंस नहीं, मेष था। अरे मेष भैंस जो भी हो, कब देगा? पता नहीं, समय नहीं बताया। तो जाकर मैं सही समय पता करूँ माँ? जाना है तो जाओ, मगर ध्यान रखना महादेव को पता ना चले। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं बाबा को अभी एक चिलम भर कर दे आया, समाप्त होने के पहले ही मैं खबर लेकर वापस आ जाऊंगा। गोपाल, ओ गोपाल। कौन है आप? मैं भिंजी, शिव का दूसरा प्रधान शिष्य। प्रणाम देव महाराज। दोनों मेष कब बलि दोगे बोलो तो? सुनिए देव महाराज, उन दोनों की उम्र हो गई है, चर्बी वाला मांस खाना ठीक नहीं होगा, इसलिए सोचा मेष के बदले एक जोड़ा हंस बलि में दे दूंगा। हंस नहीं समझे? अरे राज हंस, चरक संगीता में आप अवश्य पढ़े होंगे कि पक्षी का मांस सुपाच्य होता है। अब देखिए ना, खाना बन गया, थोड़ा बहुत खाकर राजसभा के लिए निकलूंगा और वापस आते समय राज उद्यान से दो हंस चुरा कर लाऊंगा और अगली अमावस्या माँ के लिए बलि दे दूंगा। हाँ ठीक है। एक क्या भृंगी, कृष्णचंद्र का हंस चुरा के मेरे लिए बलि देगा? हाँ माँ, यही तो कहा। इन चोरी करना महापाप है भृंगी, और ये पाप मुझे भी लगेगा। नहीं, मुझे रोकना पड़ेगा गोपाल को, मैं अभी जाऊंगी पृथ्वी पर। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश्वर। गोपाल। कौन? हे महामाया, पार्वती देवी दुर्गा। माँ, आपके चरणों में इस गोपाल का कोटि कोटि प्रणाम। गोपाल, तू कृष्णचंद्र के हंस चुरा के मेरे लिए बलि देने वाला था, तू जानता है ना, चोरी करना महापाप है। हाँ माँ, भृंगी जी को बलि की बात बताते समय हमें भी यह बात याद आई थी, इसलिए मैं ठीक किया हूँ, चोरी करके नहीं, क्षमता के अनुसार जो भी होगा आपको जरूर उत्सर्ग करूँगा। तो क्या दोगे? रोहू मछली। बरसात के समय पोखरे में चारा छोड़ा था,
इस वर्ष बहुत बड़ी बड़ी हुई हैं, खा कर देखा हूँ, बहुत स्वादिष्ट है। हंस से रूह मछली, यही क्षमता है माँ, नहीं तो हंस चोरी कर। नहीं नहीं नहीं, तू मुझे रूह मछली ही देना, चोरी मत करना। रोहू मछली दूंगा अना घोड़े का अंडा का? पार्वती। स्वामी, प्रणाम स्वामी। सुना तुम्हारा भक्त गोपाल हंस के बदले तुम्हें मछली खिलाएगा? कैसे जाने। ठीक ही समझती हो, बात क्या सत्य है? सत्य है स्वामी। कब? अगली अमावस्या को। अश्वडिम्ब खिलाएगा। क्यों? उस पृथ्वी पर देखो पूरे 50 स्वर्ण मुद्राएं, गिन कर देख लो। गिनने की क्या बात है, आप मुझे कम देंगे तो फिर मैं चलता हूँ। एक क्या मनुष्य इतना छल करते हैं, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। झूठे छलिया, मुझे हंस से मछली पे ले आया, वो भी बेच दिया तू। क्या करूँगा माँ, क्या करूँ माँ, तुम्हारी बहू सोने के हार से खुश थी, साथ साथ लाकर देना पड़ा। हार देने के बाद घर में आई शांति, नहीं तो आती विपत्ति और अशांति। क्यों, विपत्ति किसकी? सिर पर सुनार का ऋण है, शास्त्र में लिखा है कि अग्नि कर्ज और शत्रु नहीं रखना चाहिए। आप मेरी माँ है, सोचा था आप मेरे दुख को समझेंगी, लेकिन साहूकार मेरा दुख क्या समझेगा माँ, बोलो। इसीलिए मछली बेचकर, ताकि कर्ज चुका लूं। हाँ माँ। अब क्या देगा मुझे? संध्या तो होने वाली है और थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए, कुछ देर बाद डेंगू मच्छर आएंगे। सोचता हूँ दो बड़े डेंगू मच्छर पकड़ कर आपके लिए आज ही बलि दे दूंगा। मछली से मच्छर पे उतर आया, ठीक है वही देना। तू अपनी बात याद रखना, मैं उसी से प्रसन्न होंगी। उसके बाद भी एक समस्या है। क्या समस्या? जीवित मच्छर तो मैं पकड़ नहीं पाऊंगा, अगर पकड़ने लगूं तो घर बाहर चारों ओर उथल पुथल मच जाएगी, बलि मैं नहीं दे पाऊंगा। उससे अच्छा है आप सुदर्शन चक्र से दो मच्छरों को मारकर मेरे नाम से बलि ले लेंगी। और क्या कहूँ माँ आपके लिए, बताइए। उसके बाद? उसके बाद क्या, आप लोग कैलाश वापस जाएं और मैं भी घर चलूं। हाँ? ए ना है।